मुझे तुम अक्सर समझाती थी ना कि मोहब्बत तारों की तरह होती है। वो जब दूर चमकते हैं तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो उनसे कुछ पाने की ख्वाहिश हो जाती है। और एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम्हारा ऐसा अंदाज तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, शायराना अंदाज मेरा जरूर था। तुम तो मुझे कहा करती थी कि बेबुनियादी बातों का शहंशाह हूं मैं, लेकिन अब तुम कैसे बातें बनाने लगी थी, कैसे तुम्हें मोहब्बत की समझ एकदम से हो गई थी। हुआ क्या था तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम्हें नहीं, मुझे हुआ था। खोने का डर हुआ था तुम्हें, या शायद हिजार का खौफ हुआ था तुमसे, या शायद इबादत हुई थी तुमसे, या मोहब्बत हुई थी, या गलती हुई थी मुझे तुमसे इश्क करके। कुछ तो जरूर हुआ था, लेकिन बस मुझे हुआ। पर ऐसे तो हमारा अंजाम बिल्कुल नहीं हुआ था। हमारा अंजाम तो एक दूसरे से बिछड़ के हुआ था। तुमने वो मुझे बीच राह पे एक बेतुकी सी बात को लेकर छोड़ा था, ऐसे हम अलग हुए थे। याद तो है ना तुम्हें? याद तो तुम्हें वो भी होगा कि तुम्हारे लिए कलमा पढ़ना भी शुरू कर दिया था मैंने। और ये भी जानती थी ना तुम कि मैं मैथ्स में कमजोर था, लेकिन प्यार के एडिशन में बहुत आगे तक मल्टीप्लाई हो गया था तुम्हारे साथ। याद है ना तुम्हें? याद है ना, मंदिर मस्जिद में फर्क भूल गया था मैं, रामचरितमानस और कुरान के पैगाम साथ लेकर चलने लगा था मैं, ईद की सेवैया और दिवाली की मिठाइयाँ साथ में बैठकर खाने की सोचने लगा था मैं ना समझ हो गया था मैं, सपने बुनने लगा था मैं, मोहब्बत तुमसे करने लगा था मैं, बस करने लगा था। पर तुम्हारे जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस जहन में ये ख्याल आ रहा था कि उस वक्त तुम्हें अपना मजहब याद क्यों नहीं आया, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ उस चार दीवारी में अपने जिस्मों के साथ खेल रहे थे। तुमने उस समय क्यों कुछ नहीं सोचा जब मैं तुम्हारे पापा को अब्बू अब्बू कहकर पुकारने लगा था? तुमने क्यों कभी ध्यान नहीं दिया था कि मैं तुम्हारे सामने बात करने में हिचकिचाता था और मैसेज पे फट फट करके क्या क्या बोल जाता था? नहीं दिया था ना ध्यान तुमने इतना? नहीं सोचा था ना तुमने कि ये काफिर तुमसे इतना मोहब्बत कर बैठेगा? ना तुमने उस वक्त सोचा था, ना आज सोचती हो, क्योंकि कभी तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, इस जहां में तो एक नहीं हो पाए हम, पर वहां जरूर मिलेंगे। मिलेंगे उस आसमान में रूह से मोहब्बत करने के लिए, क्योंकि वहां कोई मजहब नहीं होगा, पर हम लोग करेंगे वहां भी अपना मजहब वाला।